मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु साष्णम जैनम जयतु साष्णम। वीतरागी देव शास्त्र चरण प्रशासन श्री जैन सिद्धांत प्रवेशका जी विराजमान हैं। सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। सामान्य गुण अर्थात सभी में पाए जाते हैं। अभी अपना प्रमेत्व गुण खास तौर से जीव द्रव्य के दृष्टिकोण से चल रहा है। अन्य द्रव्यों की चर्चा अपनी हो गई है। छह द्रव्य आपो आप जानने में आते हैं। क्यों जानने में आते हैं? क्योंकि उनमें प्रमेत्व नाम का गुण है। प्रमेत्व गुण के कारण जानने में आने की लायकात उनमें है तो जानने में आते हैं। अग्नि जलाती नहीं है, ज्वलनशील। ज्वलनशील माने जलने योग्य। जलने योग्य पदार्थ जल जाते हैं। दुनिया में अग्नि जलाती नहीं किसी को। नहीं जलने योग्य नहीं जलते। लोहा आदि नहीं जलता, नहीं जलता। ईंट चूना पत्थर हो तो नहीं जलता अग्नि में। ज्वलनशील हो गए तो लिखा रहता है ना, ज्वलनशील पेट्रोलियम ज्वलनशील एलपीजी गैस ज्वलनशील। ज्वलनशील मैं वो जलने का स्वभाव वाला है, वो जलता है। ऐसे ही झलकने का स्वभाव वाला होने से छह द्रव्य झलकता है। ध्यान से सुनना, ज्ञान झलकाने वाला है ये नहीं है। ज्ञान झलकाने वाला है ये नहीं है। ज्ञान तो जाननार है, बस प्रकाशक है। प्रकाशक प्रकाशक है। सूर्य का प्रकाश प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है। सूर्य के प्रकाश में मकान दुकान स्त्री पुत्रादि दिख जाते हैं, और वायु नहीं दिखने लायक है तो नहीं दिखती है। तो फिर सूर्य का काम क्या है? प्रकाशन करना है ना? प्रकाशन करना नहीं है, प्रकाशित रहना है। समझ आया कुछ? सूर्य का काम प्रकाशित रहना है, प्रकाशित करना नहीं है। लेकिन व्यवहार से हम उसको प्रकाश करने वाला कहते हैं। व्यवहार से हम प्रकाश करने वाला कहते हैं, अग्नि को जलाने वाला कहते हैं। लेकिन अग्नि जलाने वाला नहीं है, जलने योग्य जलते हैं। ऐसे ही जानने में आने योग्य होने से छह द्रव्य जानने में आते हैं। मेरे में ज्ञान है इसलिए जानने में आती है नहीं। क्या कहा? मेरे में ज्ञान है इसलिए जानने में आता है ये नहीं। मैं तो प्रकाशक हूँ, प्रकाशक हूँ, प्रकाश 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 हूँ। अभी जो जानने में आने योग्य है वो जानने में आ जाते हैं। ख्याल में आया? ऐसी चर्चा छह द्रव्यों की हो गई। अभी आत्मा में प्रमेय गुण होने से आत्मा भी जानने में आता है। अभी कोई ऐसा पूछे, अभी प्रश्न करते हैं, कोई पूछे कि हमें आत्मा ही जानने में आ रहा है या नहीं? आप कैसे कहते हो कि आत्मा जानने में आ रहा है? आत्मा आत्मा को जानने में आ रहा है ये कैसे कहते हैं अपन? मैं मेरे जानने में आ रहा हूं ये कैसे संभव है? फिर से, मैं मेरे जानने में आ रहा हूं ये कैसे संभव है? कि बिल्कुल संभव है। अभी देखो लॉजिक से बताते हैं। लॉजिक से शकर से दूध तो मीठा हो जाता है, लेकिन शकर से शकर मीठी नहीं होती ना, नहीं होती। तो जिस मिठास के कारण दूध मीठा हो जावे उस मिठास के कारण शक्कर मीठी नहीं है, नहीं। तो शक्कर में एक साथ दो धर्म है कि वो शक्कर में दो धर्म है कि शक्कर से स्वयं मीठी हो जावे और जो जो शक्कर का आश्रय करे वो मीठी हो जावे। समझ में आया कुछ? शक्कर शक्कर स्वभाव से मीठी है और जो जो उसका आश्रय करे वो मीठा हो जावे। ऐसे ही आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है,
इसलिए आत्मा ज्ञानमयी है, जाननमयी है, जानने में स्वयं आ रहा है, स्वयं स्वयं को जान रहा है ज्ञान मात्र होने से, और स्वयं स्वयं के जानने में आ रहा है। फिर से सकल का दृष्टांत याद रखना, आत्मा में दो गुण हैं, ऐसे तो अनंत है, अनंत की बात अभी नहीं करना, कितने गुण हैं अभी, दो, अनंत की बात नहीं करना, अभी दो की बात करते हैं। आत्मा में एक तो प्रमाता नाम का गुण है, कौन सा, कौन सा, प्रमाता, और एक है प्रमेयत्व, कौन सा, एक तो है प्रमाता एक तो है प्रमेयत्व, कितने हुए, दो, कौन कौन से, प्रमाता और प्रमेयत्व। ध्यान से सुनना, प्रमाता, अभी देखो भैया मेहनत करनी पड़े हो थोड़ी सी, प्रमाता माने ज्ञान गुण है वास्तव में तो, लेकिन उसका नाम प्रमाता रखा। जब न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, षड दर्शन में न्याय दर्शन पढ़ाते हैं, न्याय पढ़ाते हैं, तब वहां ज्ञान नहीं कहते, उसको प्रमाता कहते हैं, तो अपन यहां प्रमाता से समझाते हैं, क्यों कि प्रमेयत्व गुण जिसके जानने में आए वो प्रमाता, रोटी जिसके खाने में आए वो खाता, जो गायन 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 जिसके गाने में आए वो गाता, गायक, बराबर ना, ऐसे यहां पर प्रमेयत्व गुण जिसके जानने में आए वो प्रमाता, बराबर, पठन पठन जिसके जान होने में आवे वो पाठक, पढ़ता पढ़ता, समझ में आया ना कुछ, ऐसे यहां पे लगाना कि प्रमेयत्व गुण जिसके जानने में आए वो प्रमाता, छह द्रव जिसमें जानने में आए वो प्रमाता, प्रमाता समझ में आ गया, जो जिसके जानन जानने की क्रिया, जाने की क्रिया, जा रहा है, जाने की क्रिया में वह जाता है, तो जाता, जाता कौन है, जो जाने की क्रिया करे सो जाता, आने की क्रिया करे सो आता, ऐसे जानन की क्रिया करे सो प्रमाता, समझ आया कुछ, तो दो चीज एक साथ हुई, प्रमाता और प्रमेयत्व। बराबर, अभी प्रमाता का अर्थ माने जानने वाला, और प्रमेयत्व माने जानने में आने वाला, फिर से प्रमाता माने जानने वाला और प्रमेयत्व माने जानने में आने वाला, बराबर, कठिन तो नहीं लग रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है, प्रमाता माने जानने में आने वाला, जानने वाला, प्रमाता माने जानने वाला और प्रमेयत्व माने जानने में आने। अभी ये दो ही गुण आत्मा के सर्वांग में है कि नहीं, सर्वांग में है कि आधे में प्रमाता आधे में प्रमेयत्व, बराबर बराबर। अभी एक बात बताओ, जानने वाला भी वही है और जानने में आने वाला भी वही है, पकड़ में आया पॉइंट, जानने वाला भी वही सर्वांग में है और जानने वाला और जानने में आने वाला भी सर्वांग वही है, तो अब आत्मा जानने में नहीं आ रहा। अभी सुनो ध्यान से, लोग ऐसा कहते हैं, पंडित जी आत्मा में ज्ञान है ये तो समझ में आ रहा है, हम में ज्ञान है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रश्न हुआ भाई, आत्मा में ज्ञान है ये ज्ञान वाला है ये तो हम समझ गए, आत्मा में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है, ये तो हम समझ गए, लेकिन पंडित जी हमारी समझ में ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं आ रहा है, प्रश्न है ना, साहब इतने नहीं, अभी आपकी भाषा में, इतने दिन सुनते सुनते हो गए, समझ में क्यों नहीं आ रहा, हमारे ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं जना रहा, हमारे ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं झलक रहा, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, देखो यदि आपने कह दिया झलक रहा है तो फिर आज के बाद छुट्टी होनी चाहिए, कि जानने में क्यों नहीं आ रहा है, जानने में क्यों नहीं आ रहा, आत्मा को जानने में क्यों नहीं आ रहा, आत्मा कब जानने में आएगा, नहीं वैसे आत्मा में ज्ञान है ये तो समझ में आ गया, उपयोगो लक्षणम, जीव में ज्ञान है ये तो समझ में आ गया, जीव ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा है ये तो समझ में आ गया, लेकिन पंडित जी हमारे ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं आ रहा है, हमें आ रहे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधा विकल्प राग देश पुण्य पाप तो जानने में आ जाता है, आ जाता है ना, लेकिन आत्मा जानने में नहीं आता है ना, कहाँ आ जाता है, मंदिर में जब मैं प्रवचन करता हूँ, जब आप प्रवचन करते जब तो ऐसा लगता है जैसे हथेली पे आत्मा, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, क्या घर जाने पर आत्मा क्या हो जाता है, हाँ तो फिर क्या करें, अब एक अच्छे से नक्की करना, प्रभु सुन
कहते ऐसा प्रश्न हो गया जैसे कोई दर्पण को देखे और ये कहे कि मुझे दर्पण में सब दिखाई देता, दर्पण में काला गोरा सफेद नीला पीला लाल मकान दुकान दुनिया सब दिखती है लेकिन दर्पण नहीं दिखाई देता, दर्पण दिखाई नहीं देता, कहाँ है दर्पण, कहाँ है बताओ कि देख देख, नहीं ये तो मकान है, दर्पण में कुछ झलक रहा है ना, ये तो मनुष्य है, अरे दर्पण दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा दर्पण कि पंडित जी साफ साफ तो दिख रहा है आदमी है, आदमी है कि दर्पण है, समझ आ रहा है कुछ, फिर से जरा शांति से फिर से सुनो, जब भी दर्पण दिखाया तब तो उसमें कुछ ना कुछ झलक रहा था, नहीं क्यों आप बिना झलकता हुआ दर्पण दिखा सकते हो, जिसमें कुछ प्रतिबिंबित नहीं हो ऐसा दर्पण दिखा सकते हो, तो जब जब कहा कि हमें तो आज तक दर्पण देखा ही नहीं, हम कहे उसमें क्या कठिन है, ये लो दर्पण देखो कि साहब इसमें तो हमारा चेहरा दिख रहा है, दर्पण कहां दिख रहा है, अब बताओ हमको कौन समझा रहे, बस पक्का है अब आत्मा जानने में आ गया, आत्मा का अनुभव हो गया, अरे बोलो अब तो नहीं करना जी, बढ़िया बस है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं वह ज्ञान है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञान है, वह गेय नहीं वह ज्ञान है, सुनना ये बहुत चरम सीमा की चर्चा है, हो बहुत अच्छी आनंद की चर्चा है, ठीक है अभी हमने भी ये कहा था पर घर फिरत बहुत दिन बीते, आज तक पर लक्ष्य किया है, आज तक पर कोई पर को जाना है, आज दिन तक अपने को जाना ही नहीं, ऐसा हमने ही कहा था, ऐसा व्यवहार नहीं से कहा था, जिनवाणी में सर्वांग ऐसा कहा था, लेकिन खरे खर वस्तु के नजदीक आके देखा जाए तो खरे खर आत्मा जनाए छे कि जानना है, खरेखर जानना है, नहीं खरेखर आत्मा जानना है कि जनाए छे, बराबर, फिर से प्रमाता और प्रमेयत्व माने आत्मा जानने वाला सर्वांग और सर्वांग ही जानने में आने वाला, तो दो ही एक साथ हुए ना, सकर का इतना बड़ा डगला मिश्री तो मिठास उसमें सर्वांग है ना, तो मिठास नाम का गुण और मिठास शक्कर को मीठा करे इतनी बड़ी डगली को, तो वो दो एक साथ है ना, तो वो शक्कर मीठी है कि नहीं है, कि शक्कर और मिठास दो चीज है, शक्कर और मिठास दो चीज है, शक्कर के डगला को मिठास नाम के गुण ने मीठा किया है, दो है शक्कर और मिठास एक है, ऐसे जाननार और जानने में आवनार जाननहार और जानने में आवनहार, ज्ञायक प्रमेयत्व गुण और प्रमाता गुण, ज्ञायक और गे दो नहीं है एक ही है, बराबर। अब थोड़ा सा सुपर प्रकाशक सिद्ध करके आगे चलेंगे जल्दी से, जो दर्पण में दर्पण देखा है कि साहब इसमें तो आदमी दिख रहा है, तो जब तुम्हें कहते हो कि दर्पण में आदमी दिखता है इसका नाम पर प्रकाशन, इसका नाम पर प्रकाशन ध्यान से सुनना, और उसी समय कोई कहता दर्पण कितना जोरदार है, मेरी शकल जोरदार दिखती है इसका मतलब दर्पण जोरदार है, पीछे के पदार्थ बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं इसका मतलब दर्पण जोरदार है, इसका नाम स्व प्रकाशक। एक दर्पण में क्या करना है, दर्पण को बदलना है, दर्पण देखने के लिए दर्पण में तोड़फोड़ करनी है, साबुन लगानी है, क्या करना है, कूटना है, क्या करना है दर्पण को देखने के लिए क्या करना है, सुनो दर्पण को दर्पण में रहने दो, दर्पण को डोंट टच नहीं करो, फिर क्या करें तुम ये बताओ कि क्या दिख रहा है कि साहब वो गाड़ी जाती हुई दिख रही है, जो भी दिख रहा है बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, तो ये बताओ कि बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं इसका नाम पर प्रकाशन, अब बच्चे जोरदार बिल्कुल ज्यो के ज्यो खेलते दिख रहे हैं कि हाँ क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि दर्पण जोरदार है, दूसरे दर्पण में तो औंधे सीधे काले नीले
कला है ना, मोटा पतला ऐसा दिखता था। तो ऐसा एक विशेषता किसकी थी? दर्पण की। तो ये स्वच्छता किसकी विशेषता है? दर्पण की। तो दर्पण अच्छा है कि नहीं? कि हाँ, दर्पण जोरदार है। जिसने ये देखा कि दर्पण जोरदार है वो स्वप्रकाशक, जिसने देखा कि चित्र जोरदार है वो पर प्रकाशक। समझ आ गया? अभी चित्र को हटा के दर्पण देखना है या चित्र के काल में दर्पण देख सकते हैं? देख सकते हो? सुनोगे हमारी बात? सुनाए। ऐसे ही गे के काल में गे नहीं ज्ञायक दिखाई दे, इसका नाम स्वप्रकाशक। और जो गे दिखता है विकल्प दिखता है, गे दिखता है विकल्प दिखता है, इसका नाम पर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक, दर्पण तो स्वपर प्रकाशक एकज काले छे, एकज एकज काले, एक ही समय में दर्पण स्वपर प्रकाशक है। ना उसके स्वप्रकाशक का नाश कर सकते हैं, ना पर प्रकाशक का नाश कर सकते हैं। यदि कोई कहे कि नहीं वो तो स्वप्रकाशक ही है तो झूठी बात है, पर प्रकाशक ही है ये भी मिथ्यात है। तो देखो ना दर्पण, देखो ना दर्पण में एक साथ दो काम हो रहे हैं, दर्पण दर्पण की प्रसिद्धि भी कर रहा है और दर्पण के माध्यम से अन्न की प्रसिद्धि भी हो रही है, बराबर। तो दर्पण सोपर प्रकाशक, ऐसे हमारा ज्ञान सोपर प्रकाशक, बराबर। केवल पर प्रकाशक नहीं, पर प्रकाशन के काल में स्वप्रकाशन, बराबर बराबर। अभी फिर से, जिस समय दर्पण में चेहरा दिखाई दे रहा है उस समय दर्पण देख सकते कि नहीं? देख सकते हो? बता दें, ऐसे ही विकल्प के काल में निर्विकल भगवान देख सकते हो। तुम क्या गड़बड़ करते हो? विकल्प रोको, विकल्प रोको, विकल्प रोको, कंसंट्रेशन करो, उपयोग को एकाग्र करो, इतना उपयोग को एकाग्र करो कि विकल्प रुक जाए। मूर्ख नंबर वन। अरे आदमी को क्या लगता है मैं पर प्रकाशक को रोकूं तो स्व प्रकाशक हो, अगर मैं आया कुछ, मैं पर प्रकाशन को रोकूं तो स्व प्रकाशन हो, ऐसा नहीं है। अरे रे स्वपर प्रकाशक एकज काले, ध्यान से सुनना, वस्तु सुपर प्रकाशक एकज काले, और तुम एक समय में एक लक्ष्य करते हो, इसलिए एक समय में या तो आपको पर प्रकाशन कहने में आता है या स्व प्रकाशन कहने में आता है। पॉइंट बदल गया थोड़ा सा, फिर से सुनो, वस्तु एकज काले सुपर प्रकाशक, द्रव्य गुण अनिपर्याय, अपर्याय की बात चल रही है, ज्ञान की पर्याय प्रत्येक की, कौन की? निगोदिया की भी, पेड़ में रहने वाला जीव की भी और सिद्ध भगवान की भी, एक समय की पर्याय एक ही समय में सुपर प्रकाशक। पकड़ में आ गई इतनी बात? वस्तु सुपर प्रकाशक है, ज्ञान सुपर प्रकाशक। कठिन तो नहीं पड़ रहा भैया? समझ आ रहा? पीछे नीली शर्ट, आपको पूछता हूं, आता भैया इन आपके पीछे, आपको ही बोलता हूं मैं, समझ आ रहा है? हाँ बराबर, नहीं समझ में आए तो पूछना। अभी ये तो बहुत जोरदार चर्चा, ये पकड़ में आ गई तो बस आनंद काल का आनंद, कोई टेंशन ही नहीं रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात में है। लोग पर प्रकाशक रोक के स्व प्रकाशक करना चाह रहे हैं। पहले वस्तु समझो, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, दर्पण स्वपर प्रकाशक है। हाँ, अब तुम एक समय में एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? कि तुम जब दर्पण में बाहर के चित्र देखते हो तो पर प्रकाशन कहने में आता है, उसी समय पर प्रकाशन का भूल जाओ मैंने उसका लक्ष्य ना करो, दर्पण में चित्र दिखने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, हटाने की कोशिश मत करो। उसी समय दर्पण कितना जोरदार है, ए नजर चली गई, ओ इसको प्रकाशक हो गया, बराबर। नहीं आया समझ में? समझो, गाड़ी चलाइए, कभी कार चलाइए, कार चलाइए, अरे कार है ना कार, वो कार में जो कांच लगा है सामने, स्क्रीन लगी हुई है सामने, सामने की, वो मैं नहीं कहता हूं, बैक मिरर का बाद में कहूंगा, पहले तो सामने जो अपना गिलास है ना, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी गिलास, उस पारदर्शी गिलास में सोवर प्रकाशक बना है। वो पारदर्शी गिलास ये बता रहा है कि मैं कांच हूं, और ये भी बता रहा कि सामने गाड़ी आ रही है, नहीं बता रहा? और ट्रांसपेरेंट ग्लास में से ये नहीं दिख रहा है कि सामने गाड़ी आ रही है, आदमी आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और ये नहीं बता रहा है वो कि मैं कांच हूं, वो नहीं बता रहा है कांच लगा हुआ है। तुमको क्या लग रहा है, कांच नहीं लगा है सामने?
लगा हुआ है, गिलास लगा हुआ है और सामने आदमी भी आते जाते दिख रहे हैं। लेकिन आप खुद देखो, जब आप गाड़ियों पर नजर करते हो तो आपको कांच का विकल्प नहीं होता, कांच का लक्ष्य नहीं होता कि कांच है कांच है कांच है। और कभी जब वो पानी का छाटा पड़ जावे या धूल पड़ जावे तो उस समय भी सामने से गाड़ी आ रही है, आ रही है, लेकिन आप जब वो छाटा देखते हो या वो मिट्टी धूल देखते हो उस समय गाड़ी दिखती है। अब दिखने पर भी क्या कह रहे हैं, दिखने पर भी गाड़ी नहीं दिखती। और इसीलिए कभी कभी यदि हम कांच की मिट्टी कितनी है कितनी है कितनी है कितनी है कांच की मिट्टी देखते हैं तो हमें वो एक्सीडेंट हो जाता है। समझ में आ गया कुछ, समझ में आ गया कुछ है? कई जगह मंदिरों में भगवान की वेदी पर कांच लगा रहता है। अब अपन जाएं और कांच को देखें तो पीछे के कोई आदमी स्त्री आती दिखाई दे में तो भगवान नहीं दिखते, नहीं दिखते नहीं? पूरा नजर यहां चली जाती है, कौन है, अच्छा वो पड़ोसन आ गई है, जो भी कोई ऐसे तो वो भगवान नहीं दिखते सामने होने पर भी। और इतने में यदि अपन भगवान की प्रतिमा देखें तो चित्र नहीं दिखता है, करके देख लेना इसे क्या दिक्कत है, बराबर है। ऐसे ही गेज, ध्यान से सुनो, इसी प्रकार गेय झलकने के काल में गाय भगवान भी झलक रहा है अनादि से, लेकिन आज तक तुमने गेहूं की झलकन देखी है, गाय का लक्ष्य नहीं किया, इसलिए गाय भगवान छिप गया। भगवान तो मौजूद है, हाजरा हजूर विद्यमान छे, बोलिए क्या बोलते थे, हाजरा हजूर विद्यमान छे, फिर हो क्या गया। तो गे देखने के चक्कर में, विकल्प देखने के चक्कर में अपने परमात्मा को देखना छोड़ देते हो। तो अब क्या करना है, फिर से बोलो, सामने पहले वाहनों को रोक दे तो कहां देखें अपन, क्यों क्यों भगवान का दर्शन करने का क्या तरीका है कि कांच क्यों लगाया, पीछे की महिलाएं दिख रही हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो भगवान दिखते ही नहीं है, कांच फोड़ दें, क्या करें। कांच फोड़ोगे तो सुपर प्रकाशक का नाश होगा, ऐसे गेहूं को रोकने जाओगे तो सुपर प्रकाशक का नाश हो जाएगा, एक इंद्री में चले जाओगे, एक इंद्री में गे रोकने की चेष्टा एक इंद्री होना है। अरे रे, गेहों को रोकने की चेष्टा नहीं है, गेहों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तीन लोक के सारे गे मेरे में झलके, ऐसी मेरे में सर्वज्ञ तो शक्ति है, विकल्पों से मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन विकल्प के काल में गाय को भूलने से तकलीफ है। क्या कहा, विकल्प के काल में चित्र झलक रहे हैं, उस काल में गाय को भूल गए, ये तकलीफ है, विकल्पों से तकलीफ नहीं है, राग आदि से तकलीफ नहीं है, कर्मों से तकलीफ नहीं है, संसार से तकलीफ नहीं है। नहीं आया समझ में, अभी नहीं आया, और थोड़ा आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझाएंगे, चिंता नहीं करो, बात तो पूरी करेंगे। देखो पंडित जी, आखिर विकल्पों को रोके बिना आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है। चोड़ा जी लिखा है, विकल्प से सविकल्प से निर्विकल्प की प्राप्ति, सविकल्प से निर्विकल्प का अनुभव, तो बुद्धि पूर्वक पहले हमें सविकल्प भूमिका में आना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, गड़बड़ कहां हो रही है, ध्यान से ही, ए आनंद करो, समझ में आ रहा है कुछ। इसीलिए मैं कहता हूं रात को बिल्कुल तुम बकवास मत करो, ये होता क्या, रात में तो मजा आता है, तो बारह एक बारह एक, अब इस समय जो खास अमृत आ रहा है, निगुरा जाए प्यासा, ये जो आनंद करने का अवसर है, इसमें आप आपकी आंखें ऐसी हो जाती पत्थर जैसी, खुली तो है, खोलना और बात है, लेकिन खोलने में आनंद होना और बात है, पकड़ में आ रहा है, कुछ बुरा नहीं मानना, सबके लिए कहते हैं, बहुत आनंद की बात है। फिर से सुनो, देखो क्या कहते थे कि पंडित जी, वो टोटल मंजिल लिखा है कि सविकल्प से निर्विकल्प की प्राप्ति, पहले अपन को सविकल्प में बुद्धि पूर्वक मैं अनंत गुणों वाला हूं, द्रव गुण पर्याय का भेद पर्याय है, अंदर लक्ष्य करना है, ऐसा विकल्प करना पड़ेगा, और फिर बाद में मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प करना पड़ेगा, और फिर बाद में ज्ञायक हूं ये विकल्प तोड़कर आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होगा, ऐसा ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है, लिखा है कि तुम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तुम समझ ही नहीं पाए, एक भी विकल्प का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, तो विकल्प करते 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 निर्विकल्प कैसे होंगे,
जहर खाते खाते अमृत कैसे होगा? विकल्प तो अनुभव का बाधक है, शत्रु है। तो शत्रु से दोस्ती करके निर्विकल्प अनुभव कैसे होगा? पकड़ में आया कुछ? लेकिन अभी हमें यही लगता है, हम बैठेंगे तो आनंद गुणों का विचार करेंगे, देश साधु का विचार करेंगे, आहा मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ओहो स्वच्छत्व है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, आहा ओहो। और एक घंटा बाद उठे, जब तक हम चिंतन कर रहे थे जब तक तो बहुत आनंद आया, और अब क्या हुआ? क्यों? वो स्वच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, अनंत गुणात्मक वस्तु है कि मात्र चिंतन के काल में है? क्या कहना है? अनंत गुणात्मक वस्तु चिंतन के काल में है या चिंतन नहीं हो तो भी है ना? तो आनंद चिंतन के बल पर होना चाहिए कि आपो आप होना चाहिए? सुनो ध्यान, दृष्टांत। 1 करोड़ का हीरा आपको मिला और आपने 1 करोड़ को ऐसे हीरे को ऐसे रख करके, आहा 1 करोड़ का है, सुंदर है, बहुत बढ़िया है, 25 ग्राम का है, ऐसे बिकेगा, ऐसे जचेगा, ऐसे चिंतन किया, जब तक तो आनंद आया 1 घंटे, और फिर 1 घंटे बाद तिजोरी में रख दिया सुरक्षित, और उसकी चाबी अपने खीसा में। अच्छा फिर क्या हुआ भैया? भाभी फिर क्या हुआ? अरे अब आनंद तो चला गया, आनंद तो चला गया, वो हीरा तो है, उससे क्या हीरा तो है, लेकिन आनंद तो, जब तक 1 घंटा चिंतन करें तो आनंद आवे, नहीं तो फिर आनंद ही नहीं आवे। ईमानदारी से बोलो, 1 करोड़ के हीरे का आनंद करने के लिए आप क्या करते हो? जब हीरे का आनंद हीरे का विकल्प बिना हो सकता है, हीरे का चिंतन बिना हो सकता है, लाखों बरस यदि सुरक्षित रखा रहे तो हमें लाखों बरस आनंद रह सकता है, उसे चिंतन की दरकार नहीं है। ऐसे आत्मा के अनुभव करने के लिए चिंतन की दरकार नहीं है, विकल्प की दरकार नहीं है। विकल्प आत्मा की चीज नहीं है, आत्मा में विकल्प नहीं है, विकल्पों में आत्मा नहीं है। खरेखर कहें तो अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। और अनंत गुणात्मक वस्तु अनादि अनंत, कितनी त्रिकाल त्रिकाल त्रिकाल, सदा 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 सदा, वो तो आप है। अब आनंद करने के लिए क्या करना है, क्या करना है बोलो? चिंतन की पराधीनता है। तो साहब टोडरमल जी ने क्यों लिखा, हमारी क्या गलती है? टोडरमल जी को ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए था। हाँ गलती तेरी थोड़ी है, सब टोडरमल जी की है ना? वही ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए कि सविकल्प से निर्विकल्प की अनुभूति या प्राप्ति। भाई सुन, उनका कहने का मतलब यह है, जब जब कोई जीव निर्विकल्प आत्मा का वेदन करता है उसके पहले यदि कोई विकल्प होता है तो ऐसा होता है। क्या कहा? फिर से, जब जब निर्विकल्प आत्मा का वेदन होता है उसके पहले इनमें से ऐसे ऐसे अमुक में से कोई विकल्प होता है। चिन्ह मात्र हूं, चैतन्य हूं, ज्ञायक हूं, ध्रुव हूं, इनमें से कोई अंतिम विकल्प होता है। अंतिम विकल्प का ज्ञान कराने के लिए कहा था कि सविकल्प से निर्विकल्प की प्राप्ति। फिर से सुनो, समझ में नहीं आया? जब निर्विकल्प वेदन होता है तो उसके पहले कोई ना कोई विकल्प होता है ना, वो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा विकल्प करूं तो निर्विकल्प वेदन होता है, ये नहीं कहा। क्या कहा? नहीं आया समझ? शादी होने पर सुहागन होने के ठीक पहले वरमाला पहनाई जाती है, ठीक है, पहनाई जाती है ना? स्वागन होने से ठीक पहले, 7 बार राउंड पूरा करने से पहले वरमाला पहनाई जाती है। अब कोई इसका अर्थ ये ले ले कि वरमाला पहनाने से शादी हो जाती है, तो कोई लड़की किसी भी लड़के के गले में वरमाला डाल दे तो शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक लड़की किसी भी लड़के के गले में हार डाल दे तो फिर शादी हो जाएगी कि नहीं, स्वागन होगी कि नहीं? ये बात तो पक्की है कि स्वागन हुआ तो उसके पहले वरमाला पड़ती है, लेकिन वरमाला डाल देने से सुहागन नहीं होती। अब तो ये बहुत समझना सरल है, ये दृष्टांत समझना सरल है। मालूम है आजकल 2 बार वरमाला डालते हैं भावेन? कितनी बार डालते हैं? कब कब डालते पता है? नहीं मालूम? ऐसे कर रहे जैसे कभी गए ही नहीं है? 2 बार डालते हैं ना, एक बार तो जब घोड़े पे चढ़ के आते हैं तब लड़का स्टेज पर बैठता है, लड़की को बुलाते हैं और तब पहले ही डाल देते हैं,
तो फिर सुहागन हो गई कि नहीं हो गई। और एक तब जब सात राउंड लगाते हैं तब भी डालते हैं, तो सात बार राउंड पूरा होने के पहले बरमाला होती है, ये बात सच्ची है। लेकिन बरमाला ढलने से सुहागन होती है, ये बात झूठी है। पकड़ में नहीं आई इतनी सी बात? ऐसे ही आत्मा का अनुभव के पहले जो विकल्प होते हैं वो सच्ची बात है, लेकिन आत्मा का विकल्प करने से अनुभव होता है ये झूठी बात है। आत्मा का विकल्प करूं, विकल्प करूं, विकल्प करूं, गुण भेद करूं, पर्याय भेद करूं, आनंद शक्ति का विचार करूं तो आत्मा का अनुभव हो, ये बात झूठी है। लेकिन आत्मा का अनुभव जब जब होता है तो उसके पहले नियम से इनमें से कोई विकल्प होता है। अब विकल्प करने का कहां कहा है, विकल्प होता है उसका ज्ञान कराया है, है? क्या थाली में बहुत सारे व्यंजन रखे हैं तो व्यंजन रखे हैं इसलिए मुंह में नहीं चले जाते हैं, जब जब मुंह में जाते हैं तो उसके पहले उसका विकल्प होता है। लेकिन बैठे बैठे विकल्प करता रहे, रसगुल्ला है मुंह में तो गया ही नहीं अभी तक, विकल्प तो मैंने कर लिया, विकल्प तो कर लिया, रसगुल्ला है मुंह में तो गया ही नहीं, कि मूर्ख मुंह में जाता है तो उसके पहले ये विकल्प होता है। लेकिन विकल्प करने से अनुभव नहीं होता, समझ में आ गई होगी? तो बहुत अभी मोक्ष लोग इसमें अटके हैं, ऐसी ट्राई मारते हैं। गुरुदेव काय का चिंतन करते थे प्रतिदिन सुबह उठ के, ओ 47 शक्ति, 47 नए अलिंग्रहण के 20 बोल, ठीक है ठीक है, प्रभुत्व विभुत्व प्रकाशत्व स्वच्छत्व सुख आह ओह अभी कुछ हुई नहीं है ना गड़बड़। फिर उठे एक घंटे बाद, अभी हुआ नहीं, बोले क्यों? वो जितनी महिमा आनी चाहिए ना उतनी है नहीं, अभी महिमा नहीं आई उतनी, तो महिमा कैसे करें? आहा जी महिमा हो गई ले, है ना, ये मूर्ख है क्यों? 1 करोड़ का हीरा तिजोरी में रखा है, महिमा कैसे करते हो? सच्ची समझ होते ही महिमा आपो आप आती है, महिमा करी नहीं जाती है, महिमा आती है। सच्ची समझ में जो हो वो महिमा, महिमा अलग से नहीं लाई जाती। लेकिन हम महिमा असल में क्या करें, ज्ञानी भी क्या करें? तुमने पूछा था हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, तो बेंसी ने बोल दिया कि तुमको अभी आत्मा की उतनी महिमा नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब बोला बेंसी ने, महिमा करने के चक्कर पर, तो महिमा कैसे करूं कि 2-4 घंटा समय सार जी वाचा करो, साहब तो 2-4 घंटे समय सार बांचने लगा, अब महिमा? अरे तो महिमा कोई समय सार जी बांचने का नाम है क्या? 4 घंटा स्वाध्याय करो, इसका मतलब यह है कि उसमें भगवान आत्मा का निर्णय करो, और सच्ची समझ होते से जो आ जावे वो महिमा है। समझ में आया कुछ? समझाऊं बहुत सरल करना है आज, समझ आ रहा है कुछ विनय है ना? देखो एक दृष्टांत हो, दृष्टांत असली जीवन में भी हो तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन दृष्टांत दे रहे हैं। एक लड़की MA हिंदी लिटरेचर, क्या पढ़ी है? MA हिंदी लिटरेचर। अब जो MA हिंदी लिटरेचर पढ़े उसका तो हिंदी कितनी अच्छी होगी, जाने कितनी कविताएं याद हैं, कितनी गजल शेर शायरी क्या क्या होता तुम्हारा, लिखने की कला, निबंध लिखने की कला, समझ में आया, ऐसी कला। और एक बिल्कुल भिखारिन, गरीब माने गरीब लड़की, लेकिन सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और वो दोनों कन्याओं का विवाह एक ही घर में हुआ, एक ही घर में, करोड़पति अरबपति घर में। और दोनों के लिए डॉक्टर मिले, दोनों के लिए सुंदर बिल्कुल एक जैसा, समझ लो बिल्कुल लड़का एक जैसा, डॉक्टर एक जैसी, सब बात। अभी ध्यान से सुना, अभी दोनों अपने अपने घर गईं, शादी के बाद दोनों अपने अपने घर गईं, तो सबने पूछा तुम्हारा पति कैसा है। तो अब जो हिंदी लिटरेचर वाली थी ना, उसने तो 2 घंटे तक बहुत लेक्चर दिया, ऐसी जोरदार कविता, ऐसे जोरदार व्याख्यान कि लोग प्रभावित हो गए, ओहो सच्ची बात है, इस लड़की को तो अपने पति की बहुत महिमा है। अभी वो दूसरी लड़की को पूछा कि तुम्हारा पति कैसा है,
अब उसको बेचारी को ज्ञान तो है ही नहीं, ना तो कविता बोल पाई, ना लेख लिख पाई, ना कोई गायन कर पाई, ना कोई व्याख्यान दे पाई, पर इतना सा कहा मेरे वो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये दो वाक्य बोले उसने। अब बताओ दोनों में से महिमा किसको ज्यादा आती है? हैं? कि दोनों को ही नहीं आती? सुनो, एक महिमा को अभिव्यक्त कर सकता है, एक महिमा को अभिव्यक्त करने की ताकत नहीं है, लेकिन दोनों की महिमा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे द्वादशांग के ज्ञानी दिगंबर मुनिराज और तुष्मास भिन्नम करने वाले सिद्धभूति अंजन चोर सिंह, दोनों की महिमा में अंतर नहीं है। बोलो क्यों विनय, तुमको ज्यादा महिमा आती है आत्मा की मेरे को? अरे साहब, कहां आप और कहां हम, हैं? क्यों? गुरुदेव श्री की तो बहुत, गुरुदेव को बहुत महिमा आती थी आत्मा की, कहे क्यों? गुरुदेव को बहुत महिमा आती थी ना आत्मा की, अपने को थोड़ी आती। अरे अपन कहां और कहां गुरुदेव और कहां अपन, इसी चक्कर में तुमने महिमा खोई है। मैं कहता हूं गुरुदेव को आत्मा की महिमा आती थी, उसके साथ साथ अभिव्यक्ति आती थी। हम पंडित हैं तो हमें अभिव्यक्ति आ सकती है, और तुम्हें भी आत्मा की महिमा उतनी ही आ सकती है, अभिव्यक्ति नहीं आ सकती। फर्क काहे का है? मैं फिर कहना इसलिए कह रहा हूं ये जानबूझकर खोलकर कि मैं चला जाऊंगा और आप फिर दुखी हो जाओगे। पंडित जी महान, गुरुदेव महान, बैंसरी महान, श्रीमद जी महान, और अपन कहां लगते हैं भैया? अपन तो अरे रे भैया अरे, लेकिन तुम प्रभु हो भाई, तुम प्रभु हो। आज हम गुरुदेव के इसलिए गीत नहीं गा रहे कि वे पवित्र थे, आज उनके गीत हम इसलिए गा रहे हैं कि उन्होंने पवित्र हृदय से हम सबको पवित्र बताया। यदि वे पूरे जीवन यही कहते रहते तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम तो मिथ्या दृष्टि रहोगे, तुम्हारा हित नहीं होगा, और मैं भावी तीर्थंकर, तो हम उनकी महिमा नहीं कर रहे होते, हम उनके गीत नहीं गा रहे। आप हो गए भावी तीर्थंकर, लेकिन हमारे लिए क्या फायदा आपसे? आप करोड़पति हो गए अपने घर के लिए, हमें क्या फायदा? करोड़पति के गीत तो हम तब गावे ना हमें कोई फायदा होए। तो आज गुरुदेव की महिमा तो इसलिए आती है। मैं इसलिए भी आप बात कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी दृष्टि में ये अंतर रहेगा कि मात्र पंचम काल में तीन पवित्र जीव हुए, दो बैंसरी और एक गुरुदेव श्री और एक चौथे श्रीमद जी, हम तो तुम में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। मेरे में पंडित जी अपने मुंह से, हाँ डरते क्यों? मेरे में और गुरुदेव में कुछ अंतर नहीं है जी, नहीं सुन सकते अभी रोको, मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, बरोबर पंडित जी बरोबर। क्या गजब, देख गजब तो देखो, मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं, ये तो चले, लेकिन आप गुरुदेव के बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, जब मैं जानबूझकर ऐसे बोलता हूं, डरना नहीं कोई, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं पागल नहीं हूं तुम में, लेकिन जब तक दीनता भरी रहेगी, सामने वाले पवित्र दिखाई देंगे, तब तक हीनता रहेगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। दीन भय प्रभु पद जपे ओकति न सूझे कोई, क्या कहा है? सही बोला गलत बोला है? दीन भय प्रभु पद जपे, दीन भय तुम्हें ऐसा बुलंद लगना चाहिए कि गुरुदेव श्री का उपकार तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह उपकार में हम इतने नहीं दब जाएं कि वे महान दिखाई दें और हम दीन दिखाई देने लगे। हम गुरुदेव को तो बीच में ले आए हैं और इस बल पर ले आए हैं कि हम अरहंत भगवान के लिए भी यही कहते हैं, हमें अरहंत भगवान के द्रवगुण पर्याय की इतनी महिमा नहीं आ जाए कि अपने द्रवगुण पर्याय की महिमा दब जाए, हम और वे एक समान हैं। ऐसा होने से क्या फायदा होता है कि अंतर में एक प्रमोद होता है, एक उत्साह का वृद्धि होती है, और तब ऐसा लगता है अरे हम और उनमें कोई अंतर नहीं, तो अच्छा लगता है। और अभी क्या होता है, नहीं नहीं ऐसी तो क्या नहीं मत बोल नहीं मत, तो इसका मतलब तुम सम्यक दर्शन करने के लायक नहीं हो, ठीक है? तो फिर अब क्या करें? बात कहां चल रही थी? कोई में अभिव्यक्ति की ताकत है, कोई में नहीं है महिमा,
यहाँ 8 बरस का बालक बैठा हो, गुरुदेव बोलते थे 8 बरस ना छोकरा, 8 बरस नी छोकरी ने यहाँ सम्यक दर्शन करी सके, आत्मा नी महिमा जानी सके। और दू हवाला दू, राजमल जी पांडे टीकाकार, राजमल जी पांडे ऐसा प्रश्न खड़ा किया, नंबर में भूल जाता हूँ, नंबर आप देख लेना, शायद 14 नंबर का कलश हो। ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया कि वो कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है। क्या कहा, सच्ची नहीं बात, अपना ज्ञान कितना सा, इतना सा, और द्वादशांग गणधरों का ज्ञान, अंतर्मूर्ति में द्वादशांग की रचना करे इतनी ताकत, कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है। उत्तर मालूम क्या दिया, अपूर्व लब्धि तो नहीं है, विकल्प है। क्या किया है, अपूर्ण लब्धि नहीं है। अरे अरे सुन प्रभु सुन, गुरुदेव श्री तो बहुत अभी छोटे हैं, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान भी कोई अपूर्ण लब्धि नहीं है, विकल्प है। असल पता नहीं गुरुदेव का नाम आते से ऐसा लगता है कि पता नहीं विरोधी तो नहीं गुरुदेव के कहीं, नहीं ऐसा क्यों सोचते हो, बल्कि ऐसा सोचना गुरुदेव का विरोध है। जिन गुरुदेव श्री ने बद्धा भगवान छो, बद्धा भगवान था, बद्धा भगवान छो, बद्धा भगवान था, और हम नहीं नहीं प्रभु, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है, लेकिन हम तो है? ये विरोध नहीं गुरुदेव का। सुनो आज से आनंद करो, अब तो ठीक है, फिर से ही तो विकल्प करते करते आत्मा का चिंतन तो करना है ना, आत्मा का ध्यान तो करना है ना, चिंतन करने से अनुभूति होगी ना। पहले ही कहा था जहर खाते खाते अमृत नहीं होता, विकल्प निर्विकल्प आत्मा के अनुभव का शत्रु है, और उससे मित्रता करेंगे तो अनुभव कैसे होगा। जाओ हमें कोई विकल्प करना ही नहीं है। सब आप ये बताओ कि मन नहीं लगता तो क्या करें, बता दे, ये भी बहुत प्रश्न है। सब मन नहीं लगता, हम सामाई में बैठे तो मन नहीं लगता, भगवान की पूजा करें तो मन नहीं लगता, ठीक है उत्तर दे दे में? समझ लो वस्तु स्वरूप, समझ लो, अभी समझा देते, वस्तु स्वरूप समझो, आनंद ही आनंद है। सुनाओ, हालांकि इसका जवाब आ चुका है, मन मेरी चीज नहीं है, और मनोजनित जो कार्य हो रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, वो दूसरे रिले केंद्र से हो रहे हैं, रिले केंद्र से, हम क्या करें, हम तो क्या एक हैं, वो विकल्पों में प्रमेय गुण है, वो जानने में आते, मेरे में क्या तकलीफ है, टेलीविजन में क्या जानने में आएगी तकलीफ, हो क्या तकलीफ है बोलो, अग्नि की पानी तकलीफ कब होगी, टेलीविजन में क्या झलके, अग्नि की पानी, गमे जो झलको, बराबर बराबर। ऐसे सुनो ध्यान से, मनोजनित विकल्प जिसे तुम कहते हो विकल्प, कुछ आते हो तो आने दो, मेरे में आते ही नहीं है, ऐसा जानकर निर्विकल्प अनुभव करो। क्या कह रहे हो पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा कुछ, विकल्पों को मत रोको, विकल्पों को मत रोको, विकल्प मेरे में नहीं आते इसलिए मैं निर्विकल्प हूं, ऐसा अनुभव करो। पकड़ में आए कछु, कठिन तो नहीं चल रही, फिर से कोई बात नहीं, हम तीन चार चार बार बोलेंगे। पहले दृष्टांत देखें अपन, एक जी पंखा है ना, पंखा बराबर, नीचे एक दर्पण रखा अपन, दर्पण रखा, ये बताओ दर्पण में क्या दिख रहा है, पंखा चलता कि रुका हुआ, चलता हुआ, ओहो कितनी फास्ट चल रहा है दर्पण में पंखा, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे, अरे बोलो ना, नहीं आई समझ में, फिर से, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण में पंखा कितना चल रहा है, चल रहा है ना, तो देखो ऊपर ऊपर चल रहा है कि नीचे नीचे चल रहा है, अच्छा हवा लगा के देखो, हवा आती कि नहीं आती, नहीं आती है। अब फिर से ध्यान से, तो दर्पण में पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, तो फिर दर्पण में पंखा रोकने का क्या उपाय है, दर्पण में पंखा रोकने का क्या उपाय है, तो बहुत झमके चल रहा है, देखो तो कितनी चंचलता, दर्पण की चंचलता तो देखो, देखो दर्पण, और जैसे स्विच ऑन किया पंखे का, तो पहले चंचलता धीरे धीरे और फिर फास्ट हो गई, तो चंचलता बहुत बढ़ गई, कितनी चंचलता दर्पण में, नहीं चंचल है ना दर्पण,
दर्पण के प्रदेशों में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सुन प्रभु सुन, ऐसे मन वचन काय का पंखा, मन वचन काय का पंखा और द्रव्य कर्म की लाइट, द्रव्य कर्म की लाइट से वो मन वचन काय का पंखा चलता है और मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में झलकता है। लेकिन ज्ञान रूपी दर्पण में मन वचन काय नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अत्यंत अभाव, मन वचन काय अत्यंत अभाव, आगे चलें। परंतु जो मन वचन काय की प्रवृत्ति, दर्पण में पंखा तो नहीं है लेकिन पंखा की हलन चलन तो है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में मन वचन काय तो नहीं है लेकिन विकल्प तो है, विकल्प तो है ना, है ना? चंचलता नहीं है, मन वचन काय की चंचलता नहीं है। बोलो सुन प्रभु सुन, मन वचन काय की चंचलता के काल में भगवान आत्मा निष्कंप है। क्या कहा, समझ में आ रही कोई नहीं? असल में पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से, मन वचन काय की चंचलता के काल में भी दर्पण निष्कंप है, ऐसे भगवान आत्मा निष्कंप है, ज्ञान निष्कंप है। तो साहब हमारी क्या गलती है? जिनवाणी में लिखा है कि आत्मा में चंचलता है, परिणामों में चंचलता है। काय में चंचलता है? काय में? आत्मा में कि परिणामों में? तो परिणामों में चंचलता है, आत्मा में चंचलता कहां है? तुम आत्माओं की परिणाम हो। इतनी सी समझ नहीं पाते हैं? फिर से भाई, मन वचन काय की परिणति वो आत्मा की परिणति नहीं है। और आत्मा के ज्ञान में, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान स्क्रीन में वे झलकते हैं, झलकते हैं, लेकिन मैं चंचल, बराबर है कि नहीं? अब फिर बताओ, तो फिर मन की चंचलता रोकने का पंडित जी उपाय बता दो आप। सब ध्यान करने बैठे हैं तो मन की चंचलता रोकने का उपाय बता दो। बताओ भाई उपाय बताओ, कौन बताएगा है? तो फिर अब चंचलता हो रही कि नहीं? अभी तो हो रही ना चंचलता, अभी तो स्थिरता नहीं हो रही ना? नहीं, अभी तो प्रवचन सुन रहा है तो अभी स्थिरता कहां है? क्या कि सुनो, मैं प्रवचन सुन रहा हूं ये अस्थिरता है, मैं प्रवचन सुन रहा हूं ये पर प्रकाशन है, मैं प्रवचन सुन रहा हूं ये मन वचन काय की परिणति है, और मैं प्रवचन सुन रहा हूं ये सब कुछ मेरे में नहीं है, मैं तो भगवान आत्मा ज्ञायक हूं, ये सब मेरे में झलकते हैं। झलकते ही तो है, चंचलता कहां है? तो फिर साहब जिनवाणी में क्यों लिखा है कि आत्मा चंचल है, आत्मा का परिणाम चंचल है? और इसलिए कि तुम चंचल देखते हो इसलिए चंचल है। क्या कहा? ए भगवान आत्मा चंचल नहीं, ज्ञान चंचल नहीं, चंचल देखना ये चंचलता है। पकड़ में आ रहा कुछ? चंचल देखना ये चंचलता है, है? तो फिर मन वचन काय को रोकने क्या उपाय बचाओ? रोकना है आज से नहीं। अब देखो, अब मैं बताऊं आपको, अब आप ऐसे बैठना है, ऐसे चाहे खड़े रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो समझ में आए करना ऐसे। अब देखो, अब मन वचन काय का पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, रोटी बनाना है, घर जाना है, पंडित जी तो घड़ी देख ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये चंचलता तो मन वचन काय की, ये तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो निष्काम हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं। तो आओ आप आनंद, अभी अभी क्या होता है मानो, अभी क्या होता है, मंदिर में बैठे हैं, खोटे परिणाम नहीं करने। अरे ये रोटी का विचार कहां से आ गया? अरे रोको रोको, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है, ये परिणाम ठीक है, ये ठीक है। अरे ये कहां से आ गया? जी जी, स्थिरता हो रही तुम्हारी क्या? अब देखो हमारी स्थिरता, देखो हमारी स्थिरता, देखो अच्छा परिणाम आ गया। अच्छा, अब बुरा परिणाम आ गया, अच्छा भी मैं नहीं और बुरा भी मैं नहीं, आनंद करो, मजा करो, क्या दिक्कत है? नहीं ले, हम तो उस चंचल बालक की तरह हैं जो जो लोकल ट्रेन निकलती है ना रेलवे स्टेशन पे, वहां खड़ा होके जैसे गुड्स ट्रेन निकले, पाप का उदय है, गुड्स ट्रेन आ गई, ए पैसेंजर आ गई, पैसेंजर, हाँ शताब्दी शताब्दी शताब्दी, जोरदार जोरदार, शताब्दी होवेगी, गुड्स ट्रेन होवेगी, मालगाड़ी तेरे क्या लेना है, क्या होना है?
ऐसे ही सही बता भावे, अपने पुण्य का उदय कब आता है? जब शताब्दी देखते हैं। क्या क्या अपने पुण्य का उदय कब आ जाता है? जब राजधानी एक्सप्रेस देखें। क्या फर्क पड़ता है बोलो? क्यों ऊपर से हवाई जहाज निकलते हैं ना, तो इतना सा निकल जाए, इतना बड़ा निकल जाए, और बड़ा निकल जाए, 700 यात्री वाला निकल जाए, हमें क्या लेना देना है? तकलीफ नहीं लगती ना? ऐसे ही गेयों की तकलीफ हमें नहीं लगती। इसका नाम गाय का विश्वास। क्या कहा? हमें गेयों की तकलीफ नहीं लगती, इसका नाम गाय की प्रतीति अनुभूति। अब बोलो क्या तकलीफ है? बोलो अभी भी सम्यक दर्शन बाकी रह गया हो तो फिर आप अगले भाव में मिलेंगे अपन, और क्या करें? इस भाव का तो काम हो ही है ना, इससे ज्यादा और क्या करें? शांति से समझना भाई, बहुत क्या कह रहे हैं। आहा, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, नहीं गेय कृत, गेय समझ गए? गेय समझ गए? गेय माने पदार्थ, ध्यान से सुनना, गेय माने पदार्थ अर्थात राग द्वेष पुण्य पाप शरीर स्त्री पुत्र मकान दुकान सब। अब ध्यान से सुनना, नहीं गेय कृत किंचित, किंचित किंचित क्या मतलब? जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ, सहज स्वच्छ सुज्ञान हूं, सहज स्वच्छ सुज्ञान हूं। समझ नहीं आया ना? नहीं आया ना? समझा देते जल्दी से दो मिनट के अंदर। देखो ए, दर्पण में गटर झलक गई तो दर्पण कैसा हो गया? नहीं नहीं, दर्पण में गंदगी लेटरिंग की गटर की, क्या करेंगे भैया अपन? दर्पण धोए। सुन प्रभु सुन, दर्पण उसमें जो गे झलके हैं उसके कारण दर्पण अशुद्ध नहीं हुआ है। नहीं गे यकृत, छठी गाथा, वो छठी गाथा ज्ञायक में गे कृत अशुद्धि नहीं होती। किसमें नहीं होती विनय? हाँ ए भूपेन्द्र भाई, राग इतना आए तो हो जाए सुचंदी हो जाओगे? ऐसे नहीं हो जाते सुचंदी। क्यों दर्पण में कितनी देर तक गटर झलके? कितनी देर? कोई खतरा नहीं। अग्नि झलके कोई खतरा नहीं। ऐसे भगवान आत्मा में क्रोध झलके खतरा नहीं, भगवान आत्मा में राग आदि झलके खतरा नहीं। खतरा देखना खतरा है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? खतरा देखना खतरा है अर्थात अनंतानुबंधी का खतरा है। देखो ही मत, मजा तो करो है। दर्पण में कोई सा भी गे झल के दर्पण उस रूप नहीं होता। एक बात बताऊं, दर्पण में एक दर्पण रहा और एक काला पर्दा रहा तो दर्पण क्या दिख रहा है? काला। तो दर्पण कितना परसेंट काला हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी। जैसे दर्पण में पर्दा झलकने पर बिल्कुल काला नहीं हुआ, ऐसे ही भगवान आत्मा में अनादिकाल से गेय झलकने पर भी किंचित अशुद्धि नहीं हुई। इसका नाम मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका नाम मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूं। फिर से बोलो, फिर से। दर्पण में अभी तक अपने को तो मालूम नहीं था ना, अभी तक तो अपने को नहीं मालूम था ना कि दर्पण काला नहीं होता है, दर्पण स्वच्छ है, तो तब तो काला हो गया था ना। कैसी बातें कर रहे हो? दर्पण अनादिकाल से बंद कमरे में रखा था, बंद कमरे में, तो अनादि से क्या झलक रहा था बेटा? क्या झलक रहा था? झलक क्या झलक रहा था बोलो है? क्या झलक रहा था ये कह रहे? कुछ भी नहीं झलक रहा था दर्पण, कुछ नहीं झलक रहा था। क्या झलक रहा बोलो ना है? हाँ अंधेरा। अनादिकाल से बंद कमरे में रखा हुआ दर्पण में अंधेरा झलक रहा था, वैसा होने पर भी किंचित अशुद्धि नहीं हुई, कालापन नहीं हुआ। ऐसे अनादिकाल से हमें स्वच्छ स्वभाव की खबर नहीं थी, ज्ञाय स्वभाव की खबर नहीं थी, इसलिए मोह के अंधकार में पड़ा हुआ था। मोह का अंधकार इजिकल टू मैं रागी हूं, मोह का अंधकार अर्थात मैं रागी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं खाता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मोह का अंधकार। ए तो अनादिकाल के मोह के अंधकार में कर्ता भोगता अनुभवने पर भी, रागी द्वेषी अनुभवने पर भी,
कसाई अनुभवने पर भी तुम कितने परसेंट क्रोधी हो? कैसी बातें कर रहे हो? कितने परसेंट? बिल्कुल। इसका नाम त्रिकाली शुद्ध आत्मा। तीनों का शुद्ध आत्मा, 1% भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अब इसके बावजूद भी अशुद्ध आत्मा देखो तो हम क्या करें है? लेकिन पंडित जी आप एक बात तो बताई दो, मन रोकने का उपाय क्या है? ध्यान लगाने का उपाय बता दो बस, ध्यान लगाने का। अब भी नहीं समझ में आई तुम्हें अभी तक? क्यों ध्यान लगाने का उपाय बताना पड़ेगा अभी है? इसलिए कहते हैं ध्रुव देखो, ध्रुव देखो, ध्रुव देखो का मतलब यही है, बदलने वाली परिणति को मत देख। वो बदलने वाली परिणति के काल में भी किंचित अशुद्धि नहीं हुई, ऐसा देखने से स्थिरता हो गई, स्थिरता हो गई। समझ में आया कुछ? एक दृष्टांत दूं, दृष्टांत। घर में मेहमान बहुत आते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, घर में मेहमान बहुत आए ना तो तकलीफ बहुत आए। तो पति पत्नी ने फैसला कर लिया, पति पत्नी ने, कि जब मेहमान आए तो अपन खूब झगड़ा करें है, समझ आ गया ना, झगड़ा करें। सो जैसे मेहमान आए सो वो चिल्ला चोट शुरू, जीना झपटी शुरू, तुम शक्कर ला के नहीं देते हो, घर में मेहमान बैठे हैं शक्कर ला के नहीं देते हो। 3 दिन से कह रही हूं शक्कर शक्कर शक्कर, झगड़ा शुरू, बात बात में झगड़ा, ऐसा नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, जो भी बोले सो कहे, समझ गए, झगड़ा करे। अभी देखो ये तो पति को भी गुस्सा आ गया, उसने आगे एक चांटा मारा, मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट करती है, घर में शक्कर नहीं है, मार दिया ऐसे। पत्नी पाप को आया कि नहीं आया? वो पति ने इसका इंसल्ट कर दिया तो दुख नहीं हुआ इसको? अब दोनों जीना जब थी, मैं चली जाऊंगी मायके, तो हाँ चली जा चली जा, झगड़ा शुरू। इतने में वो मेहमान बोले भैया चलो। तो मेहमान ने जैसे सामान उठा के चले तो रोती रोती वो मुस्कान तो रोते रोते भी, अब जी बताओ इतना नाटक हुआ था, इसमें पाप पुण्य का उदय किसका आया? किसका आया पाप पुण्य का उदय? वो पत्नी ने इतना मारा ना, डांटा ना, चिल्लाया ना, और पत्नी ने भी ऐसी इंसल्ट करी ना। देखो ऊपरी ऊपरी नाटक के बीच में स्त्री की श्रद्धा में पूरी स्थिरता है, यहां में पति मार नहीं रहा है, डांट नहीं रहा है, स्थिरता है, स्थिरता। ऐसे ही मन वचन काय की परिणति में और 96,000 रानियों के बीच में भी और 7वें नरक के बीच में भी ज्ञानियों के चित्त में स्थिरता है। कहां कठिन है भाई, बोला होता है अपने घरों में मेहमान आए ना, मेहमान तो उनके बच्चे उधम करें और डांटते किसको? आप अपने बच्चे को डांटते हैं, क्यों हाथ पैर तोड़ दूंगी? और बच्चा रोने लगता है, रोने लगा, मेरे हाथ पैर क्यों तोड़ोगी, मैं तो शांति से बैठा हूं जे, कि बेटा तू समझता नहीं है, और हम तेरे को बाद में समझाती मां धीरे से, बेटा हम तुझे झूठ मूठ क्या कहते हो आप, झूठ झूठ तू समझता नहीं है, रोने की क्या जरूरत है, रो मत, हम तेरे को कुछ नहीं करते हैं, वो तो उसको करना था। पकड़ में आया कोई दृष्टांत? अब इस बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये डांट मेरे पर नहीं पड़ रही, इस पे पड़ रही है। जब माँ ने चिल्ला के कहा कि तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तो वो जो बच्चा कांच पकड़ के खींच रहा था ना, वो एकदम खींच के नीचे आके बैठ गया, उसको पिटाई लग भी गई, मेहमान के बच्चे को पिटाई भी लग गई, लेकिन उसका नाम तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। ऐसे ही हमने आश्रव का नाम तक नहीं लिया, ध्यायक का नाम लेते से ही उसकी पिटाई लग गई, चला गया विकार, चला गया, जाएगा जाएगा जाएगा, रहने वाला नहीं। ऐसे 8 कर्म जाने वाले हैं, ध्यायक रहने वाला है। अब नहीं समझने वाला होगा वो तो यही कहेगा आश्रव तो हो रहा है ना, आश्रव तो हो रहा है ना, निकल तो हो रहा है ना, कुछ करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना। जिनवाणी माता कहती तुम समझते नहीं है, जिनवाणी माता कहती तुम समझते नहीं है, हम जो बार बार कह रहे हैं कि तुम ऐसे आश्रव करो, शुभ भाव करो, स्वाध्याय करो, सटावस्या करो, तुम समझते नहीं है, समझते नहीं है। अरे हम करो करो की भाषा कहते हैं लेकिन करो नहीं है उसका अर्थ,
बच्चे को हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे हम, इसका अर्थ ये नहीं हाथ पैर तोड़ देंगे। ऐसे जिनमानी माता कहती है सट आवश्यक देने देने, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, मुनि दशा लो, ऐसे करो, कर्म काटो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि काटो, इसका अर्थ ये है कि तुम ज्ञाय की दृष्टि करो, आश्रम बंद अपने आप खिर जाएंगे। ये दशकान से समय लेना, अब तो नहीं बाकी रहा, अब तो अभी थिरता करनी है। हा 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 हा, अब तो थिर देखेंगे, हैं? समय हो गया। ओम नमः शिवाय।